नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंगराज। तो ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा मिशनरी स्कूल की जमीन को बेचे जाने के मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने मेथोडिस्ट चर्च पर इंडिया जबलपुर की विभिन्न संपत्तियों पर नोटिस चस्प किया है। वही मेथोडिस्ट चर्च पर इंडिया जबलपुर के नाम पर मिले स्कूल का नाम की जमीन को बिल्डरों को बेचे जाने का मामला भी सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश शासन से मिली स्कूल के नाम की 28,000 वर्ग फीट जमीन पर भारी भरकम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चलाया जा रहा है, जिस पर भी जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस चस्प किया गया है। मिशनरी स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी अनुमति के जमीन को बिल्डरों को बेचा था। वही मामले को लेकर अपर कलेक्टर के द्वारा एक नोटिस जारी किया है, जिसमें मिशनरी संपत्ति पर काबिज पक्षकारों को नोटिस दिया है और 17 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा गया है। अगस्त 17 मार्च को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय में पेश होकर अपना जवाब नहीं दिया जाता तो एक पक्षीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज नोटिस चस्पा क्या नोटिस इस कारण चस्पा किया जा रहा है कि पूर्व में क्रिश्चियन स्कूल को भूमि शिक्षा के लिए दी गई थी, उन्होंने बगैर कलेक्टर महोदय के अनुमति के उसका विक्रय कर दिया गया और वर्तमान में आज आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यवसाय किया जा रहा है। इन्होंने विक्रय बगैर कलेक्टर महोदय के अनुमति के किया गया है, जिस कारण अपर कलेक्टर महोदय द्वारा इसको शासन में किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये एजुकेशन के लिए दी गई थी जमीन? हाँ, एजुकेशन के लिए दी गई थी। इन्होंने बगैर किसी अनुमति के क्रय विक्रय किया गया है, जिसके संबंध में अपर कलेक्टर महोदय द्वारा नोटिस जारी कर शासन में दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जिसमें व्यवसाय हो रहा है वो 26,000 समथिंग वर्ग फुट है। ये पिछले जो हमको गया थे 2010-11 से कर रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों से तो कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताएं। मैं राजस्व निरीक्षक दिनेश यादव।